हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन हुए वीडियो डाले, बहुत मन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आज ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ डेटा कंप्रेशन एंड एन्क्रिप्शन, जो कि EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सेम फिफ्थ का ये सब्जेक्ट है, डेटा कंप्रेशन एंड एन्क्रिप्शन। डेटा कंप्रेशन एंड एन्क्रिप्शन मतलब ये डेटा सिक्योरिटी टाइप का एक सब्जेक्ट है। मीन्स इसमें आप इन्वॉल्व होगा, इंक्रिप्शन इन्वॉल्व होता है, डिक्रिप्शन इन्वॉल्व होता है, देन JPEG, MPEG, डेटा को सिक्योर कैसे करें, हैकर से कैसे बचे, इसमें ये सब बहुत ही लॉजिक तरीके से अपने को सॉल्व करना पड़ता है। सो इसमें साइफर टेक्निक्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम इस पर ध्यान देते हैं स्ट्रेट लाइन मॉडल। स्ट्रेट लाइन मॉडल क्या होता है ये एग्जाम्पल दिए, अभी ये क्या होता है पहले देखो, 9, 11, 11, 11, ये एक आपको सीक्वेंस दिया है, ठीक है। ये सीक्वेंस को आपको करना क्या है, सपोज आपको इसको स्टोर करना है या फिर आपको किसको भेजना है, ठीक है। नॉर्मली अभी आपको इसको भेजना है तो 5 बिट्स पर सैंपल हम लोग या फिर 4 बिट्स पर सैंपल हम लोग लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे, बहुत ही हाई एनर्जी हो जाना चाहिए। बट हम लोग क्या अभी क्या करेंगे, इसको कम नंबर ऑफ बिट्स से भेजेंगे। इसके लिए अपने को ये जो सीक्वेंस है ये इसको अपने को कंप्रेस करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मॉडल में हम लोग सीक्वेंस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस फॉर्म में आने के बाद उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे और हम लोग जिसे भेजना चाहे ये सीक्वेंस वो उसे भेज सकते हैं, ठीक है। सो इधर मैंने लिखा है स्टेप टू सॉल्व, क्या है इधर n मतलब क्या पोजिशन, xn मतलब गिवन सीक्वेंस, xn कैप मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन, रेसिड्यूअल en इज इक्वल्स टू xn माइनस xn कैप एंड देन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले क्या है n मतलब पोजिशन, सबसे पहले तो नंबर गिनो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये रहा कुछ पोजिशन। सो आप इधर पोजिशन लिख दे, सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and then 12। उसके बाद क्या है xn, दैट इज गिवन सीक्वेंस। अब आपको गिवन सीक्वेंस चाहिए, गिवन सीक्वेंस तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन सीक्वेंस इज दिस, व्हाट इज द गिवन सीक्वेंस, 9, 11, 11, 11, 14, 13, 15, 17, 16, 17, 20 and then 21। इधर से अपना असली सम स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ये तो सिर्फ पहले बेसिक था, इसके बाद एक्सन कैप, एक्सन कैप मतलब क्या मैथमेटिकल इक्वेशन। अभी आपको ऐसे नहीं समझेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन मींस क्या, देखो मैं इधर लिखता हूँ एक्सन कैप। अभी एक्सन कैप की अगर हम लोग बात करें तो एक्सन कैप क्या रहता है, n प्लस समथिंग। अभी समथिंग मीनिंग का क्या मीनिंग है, देखो समथिंग मतलब क्या, सबसे पहले तो एक्सन में पहला वैल्यू देखो क्या है, 9 है, ठीक है। क्या है पहला वैल्यू, 9 है, उसको एक माइनस कर दो, क्या आता है 8। तो मैं इधर लिखूंगा xn कैप इज इक्वल टू n प्लस 8, ठीक है। और n का वैल्यू हम लोग डालेंगे 1, 2 एंड सो ऑन, आपका जिधर तक बॉक्स चालू है उधर तक आप n का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो n प्लस 8 क्यों डाला, xn में पहला वैल्यू क्या है, 9 को एक माइनस किया तो 8 आया, ठीक है। उसके बाद n का वैल्यू 1 डालो तो 1 प्लस 8 क्या आएगा, 9, देखो इधर 9 है एक्शन कैप। तो आपको करना क्या है, ये और ये वैल्यू बेसिकली सेम लाना है, सेम लाने के लिए आपको n प्लस समथिंग, समथिंग मतलब xn के बाजू में जो भी पहला नंबर है उसको 1 से माइनस करो तो आपको मिल जाएगा 8, तो n प्लस 8, तो 1 डालने के बाद 1 प्लस 8 आपको 9 आने ही वाला है बेसिकली, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, उसके बाद n का वैल्यू 2 डालो तो 2 प्लस 8 कितना, 10, देन 3 डालो, 8 प्लस 3, 11, देन 8 प्लस 4, 12, तो ऐसे ही सिलसिला चालू होते रहेगा। तो ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। फिर इसके बाद EN मतलब क्या, xn माइनस xn कैप मतलब दिस वन माइनस दिस, xn माइनस xn कैप, तो क्या आता है, 9 माइनस 9, 0, 11 माइनस 10 इज नथिंग बट 1, 11 माइनस 1, 11, 0, 11 माइनस 12 इज माइनस 1, 14 माइनस 3 इज 1, देन इसका माइनस 1, 15 माइनस 15, 0, 17 माइनस 16 इज 1,
16 minus 17 is minus 1, 17 minus 18 is minus 1, then 20 minus 19 is 1, 21 minus 20 is 1. Okay, तो हियर आपको करना क्या है, ईएन ईएन अभी आएगा क्या, देखो जो भी वैल्यूज है वो सब नहीं लिखना है आपको, अभी क्या आ गया है 010 माइनस 1 1 माइनस 1 ये सबको सीक्वेंस मिला है ईएन का। अभी आपको करना क्या है, जो भी अभी देखो जीरो कितने बार आया है, एक दो तीन, तीन बार जीरो आया है तो मैं क्या करूंगा एक ही बार जीरो लिखूंगा। देन वन कितने बार आया है, वन दिस वन ये तीन चार एंड देन पांच, ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम्स वन आए तो मैं क्या करूंगा एक ही बार वन लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद माइनस वन कितने बार आया है, माइनस वन दैट इज टू टाइम्स, थ्री टाइम्स एंड देन फोर टाइम्स, फोर टाइम्स माइनस वन आया तो मैं क्या करूंगा एक ही बार माइनस लिखूंगा। इसका मतलब मेरे पास कंप्रेस डेटा जो हो गया है वो क्या हो गया, माइनस वन जीरो एंड देन वन, उसका मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करूंगा, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहला नंबर आपको माइनस वन ही लिखना है, क्यों माइनस वन लिखना है, क्योंकि आप अगर सपोज आप अगर क्वाड्रेंट्स देखोगे तो सबसे पहले इधर तो जीरो आता है, उसके बाद ये साइड पॉजिटिव वैल्यू एंड देन ये साइड निगेटिव वैल्यूज आता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फ्रॉम द स्मॉलर साइड यू हैव टू गो फ्रॉम स्मॉलर साइड टू द लार्जर साइड, मीन्स आपको स्मॉलर साइड से लेकर लार्जर साइड से जाना है। अभी स्मॉलर मतलब माइनस वन है पहले, उसके बाद लार्ज है जीरो, उसके बाद वन है, तो माइनस वन जीरो एंड देन वन। अभी आप इसको टू बिट से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, टू बिट मतलब क्या, टू बिट मतलब क्या, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, ये आपको सभी को पता होगा। थ्री बिट आप क्या करोगे, ये देखो जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, ओके। अभी मैंने टू बिट ही एक्चुअली क्यों लिया, देखो अभी टू अगर मैं इसके और एक बिट अगर बढ़ा देता तो और ज्यादा हो जाता था, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ टू बिट का ही लूंगा। तो टू बिट अगर मैं लिया तो जीरो जीरो आएगा, जीरो वन आएगा तो ये वन जीरो आएगा, मतलब इट इज सफिशियंट टू रिप्रेजेंट दिस ई एन बाय बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इतना सफिशियंट है। इसके बाद भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, एट बिट का भी ले सकते हैं, सिक्सटीन बिट का भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरी नहीं है, सफिशियंट इतना ही है, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड कंसेप्ट की उधर जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है, ट्रांसपोजिशन साइफर्स है, उसके बाद स्ट्रीम साइफर्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स। सब्स्टिट्यूशन ये वर्ड का ही मीनिंग है, रिप्लेस वन सिंबल विद अनादर, ठीक है, रिप्लेस वन सिंबल विद अनादर, मतलब एक सिंबल दिया रहेगा आपको दूसरे सिंबल के साथ उसको रिप्लेस करना है, ओके। तो जो भी सामने वाला हैकर रहेगा या फिर कोई भी रहेगा तो आपको वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, फिलहाल ये कोई हाई सिक्योरिटी वाली तो टेक्निक है नहीं, तो आप लोग को बस ये बेसिक टेक्निक है वो आपको पढ़ना है, और उसमें ही टाइप्स है एडिटिव साइफर और मल्टीप्लिकेटिव साइफर, उसके मल्टीप्लिकेटिव बाद में देखेंगे, फिलहाल तो देखते हैं एडिटिव साइफर। सो एडिटिव साइफर होता क्या है, देखो उसको हम लोग सेज साइफर भी बोलते हैं, ओके। सो एडिटिव साइफर में दो फॉर्मूले, ये सी फॉर साइफर टेक्स्ट, की फॉर के फॉर की, ओके, देन सी इज इक्वल टू पी प्लस के मॉड 26, पी इज इक्वल टू सी माइनस के मॉड 26। अभी देखो आपको एग्जांपल्स देखो, मतलब ये प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर टेक्स्ट है, मतलब आपको प्लेन टेक्स्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको प्लेन टेक्स्ट दिया रहेगा, मतलब अभी फिलहाल मैंने लिया है हेलो, हेलो करके मैंने एक प्लेन टेक्स्ट लिया है, आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, रोजेस आर रेड या फिर स्काई इज ब्लू या फिर कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आपको उसको एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्ट करने का मतलब है आपको उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिलहाल दिया है हेलो तो उसको हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे ताकि कोई पढ़ ना सके और हम लोग भेज सके किसी को भी, ठीक है। और की दिया है उसके साथ ही 15, की दिया है उसके साथ 15, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट वैल्यूज याद रखना, एग्जाम के टाइम पे ये लिखना जरूरी है, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट वैल्यूज, ओके। सो इसके बाद आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप लिखेंगे प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट एंड देन वैल्यूज, ओके। सो प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या, स्मॉल अल्फाबेट्स, साइफर टेक्स्ट मीन्स कैपिटल, ओके, वैल्यूज मीन्स जीरो से स्टार्ट करना, इतना तीन पॉइंट्स याद रखना। तो प्लेन टेक्स्ट इज ए टू लेके, ए से लेके जेड तक हम लोग प्लेन टेक्स्ट मीन्स स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखेंगे। साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट में हम लोग कैपिटल में से लेके, दैट इज कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक लिखेंगे, और ये सब एक के नीचे एक आना ही चाहिए, ठीक है। वैल्यूज, वैल्यूज में क्या करेंगे हम लोग, वन से नहीं जीरो से स्टार्ट करेंगे,
आई रिपीट, वैल्यूज में जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे, वन से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका अल्फाबेट्स में 26 रहता है, जीरो से स्टार्ट करने के बाद आपके आपके अल्फाबेट्स आएंगे 25। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है, एग्जाम्पल, एनक्रिप्ट द मैसेज हेलो विद द की इज 15। ओके, आपको करना क्या है, एनक्रिप्ट करना है हेलो। तो सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनक्रिप्शन, तो हेलो में कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एच, तो मैं इधर एच लिखा, एच। ओके, तो एच का एनक्रिप्टेड वर्ड क्या आएगा वो हमको ढूंढना है ये तीनों की मदद से, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट एंड देन वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं एच से। ओके, सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फॉर्मूलेस की तरफ ध्यान देना है। अभी अब तो हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट मीन्स स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स मीन्स अभी क्वेश्चन में भी स्मॉल लेटर्स दिया है तो प्लेन टेक्स्ट दिया है, इसका मतलब एनक्रिप्ट करने बोला है, मतलब आपको करना क्या है, प्लेन टेक्स्ट से लेके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट से लेके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो स्मॉल एच है, ठीक है, तो स्मॉल, सबसे पहले तो स्मॉल एच का पोजिशन देखो, देखो किधर है स्मॉल एच, जी के बाद एच आता है। ओके, सो एच मतलब किधर है उसका पोजिशन देखो, 7, तो एच का पोजिशन आपको पता चल गया है 7, ठीक है। तो उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, और साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या है, P प्लस के मॉड 26, ठीक है। तो P प्लस के, P मतलब क्या, पोजिशन ऑफ H क्या है 7, 7 प्लस की हम अपने को दिया है 15, 15 मॉड 26, तो C का वैल्यू आता है 15 प्लस 7 क्या आता है 22, तो ये 22 मॉड 26। अभी आपको मॉड सॉल्व करने का मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर बड़े मॉड्स आए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी फिलहाल तो इधर 22 है, कभी भी आपको 2:6 भी या फिर 8:6 भी आ सकता है, 6:13 भी आ सकता है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप ये देखिए, अगर सपोज 22 मॉड 26 है, इधर अगर स्मॉल वैल्यू है तो आपका डायरेक्टली सी का वैल्यू जो है वो 22 आएगा। आई रिपीट, 22 मॉड 26 है, तो अभी देखो 22 मॉड 26 है, 26 से लेस वैल्यू है तो एज इट इज लिखने का, तो सी इज इक्वल टू 22। सी मतलब क्या, साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट में 22 पोजिशन पे क्या है वो आपको देखने का है। देखो 22 पोजिशन इसका थर्ड लाइन, और साइफर टेक्स्ट का थर्ड लाइन पे डब्ल्यू है, तो आपको W मिला, तो H का वैल्यू जो है वो आएगा W, ठीक है, मतलब H हुआ एनक्रिप्टेड वर्जन में आपको W मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, E है, E का भी आप वैसे ही करोगे, E का सबसे पहले पोजीशन देखो, 1 2 3, देखो 0 से स्टार्ट होगा ना, तो 0 1 2 3 4 क्या है, 0 1 2 3 4, देखो E का पोजीशन फर्स्ट रो में और इसमें देखो 4, तो E इज इक्वल्स टू 4 है, तो C इज इक्वल्स टू P प्लस के मॉड 26, ओके, सो P इज नथिंग बट पोजिशन ऑफ E इज नथिंग बट 4, 4 प्लस 15 मॉड 26, सो 15 प्लस 4, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 मॉड 26, as I have already said you, अगर ये वैल्यू स्मॉल है और ये वैल्यू लार्ज है तो C का वैल्यू एज इट इज लिखो, मीन्स एज इट इज ही आएगा, ओके, तो C का वैल्यू 19 आया, 19 मॉड 26 में C का वैल्यू 19 ही आया, ओके, ये स्मॉल है इसीलिए, अगर 26 से लार्ज होता तो मैं आपको कैलकुलेटर पे बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो C का वैल्यू है 19, अभी C का वैल्यू 19 मतलब किधर है C का वैल्यू 19 को 17, 18, 19, थर्ड रो 19, ओके, तो साइफर टेक्स्ट आया 19, तो ये आ गया T, तो मैं इसको T से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, सो E का वैल्यू T से रिप्लेस हो गया है, ओके, एनक्रिप्टेड हो गया है। उसके बाद क्या है L, उसके बाद क्या है L, L का वैल्यू क्या है, देखो J K L सेकेंड रो में थर्ड, तो सेकेंड रो में थर्ड क्या है, पोजीशन देखो 11, 11 है, ठीक है, सो साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू P प्लस K मॉड 26 विच इज P, P क्या है पोजीशन ऑफ L विच इज 11 प्लस, सो 11 प्लस 15 आपका क्या आता है 26 आता है, ये मॉड 26, सो 26 मॉड 26, देखो ये छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है सेम है, मतलब C का वैल्यू क्या आया 0, क्या आया 0। अभी 0 पे कौन सा वर्ड है, देखो साइफर टेक्स्ट में A,
तो मैं एल का वैल्यू ए से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। इसके बाद भी क्या है, एल ही है, तो एल का मैंने वैल्यू वैसे भी निकाला है, तो एल का वैल्यू भी आता है ए, ठीक है। और एल का पोजिशन है 11, सेम ही है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भी। देन ओ, अभी देखो ओ के लिए क्या है, तो ओ के लिए सबसे पहले पोजीशन मार्क करो, तो ओ किधर है, इधर है, सेकेंड लाइन में 1 2 3 4 5 6, सेकेंड लाइन में सिक्स है, मतलब देखो सेकेंड लाइन में देखो इधर है 14, ओके। सो ये 14 है, सो ओ का पोजीशन सबसे पहले क्या है, 14, तो मैंने 14 लिख दिया इधर, ठीक है। उसके बाद साइफर टेक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस के मॉड 26, पी प्लस के पोजीशन ऑफ ओ इज 14 प्लस 15 मॉड 26, ओके। सो 15 प्लस 14 कितना होता है, 29, ओके। सो ये 29 मॉड 26 साइफर टेक्स्ट में आ गया। अभी देखो इसमें क्या आता है, देखो 29, अभी देखो मैंने क्या कहा था, ये 26 से अगर कम आया, दैट इज ये केस में 22, तो सेम वैल्यू लिखो, सेम आए तो जीरो, लेकिन अगर 26 से ये वैल्यू बड़ा है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, क्या करने का है आपको, 29 मॉड 26, तो 29 आपको कैलसी में टाइप करना है, दैट इज 29 टाइप कर दिया, इक्वल टू बटन दबाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आंसर की दबाना है, उसके बाद माइनस करो 26, फिर से क्या आता है 3, उसके बाद और एक बार इक्वल टू दबाए तो -23, तो माइनस में नहीं जाने का है अपने को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार देखो 29 मैंने क्लिक किया, इक्वल टू प्रेस किया मैंने, उसके बाद आंसर पे क्लिक किया, माइनस 26 से क्यों किया, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं इसीलिए, सो 26 इक्वल किया तो 3 आया, 3 के बाद क्या आता है, -23 आता है, लेकिन माइनस इज नॉट अलाउड इन दिस टेक्निक, सो उससे पहले वाला वैल्यू क्या था, 3, तो मैं क्या करूंगा 3 लिखूंगा, तो साइफर टेक्स्ट आया मेरा 3, तो 3 मतलब पोजीशन देखो 0 1 2 3, फर्स्ट लाइन का फोर्थ, तो साइफर टेक्स्ट में फर्स्ट लाइन का फोर्थ मतलब डी होता है, तो मैं ओ को लिखूंगा डी। तो मेरा ये एच के लिए डब्ल्यू, ई के लिए टी, ऐसे डिक्रिप्ट एनक्रिप्टेड वर्ड आ गए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, डिक्रिप्शन करूंगा, तो आपको ये तो कॉमन सेंस है, ओके। सो आपको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है, और हम लोग लॉजिकली सोचते हैं, तो देखो हमने हेलो के लिए ये एनक्रिप्टेड वर्ड निकाला, अगर मैं यही इनक्रिप्टेड वर्ड दैट इज साइफर वर्ड को फिर से डिक्रिप्ट करूंगा, तो वही मेरे को मिलेगा जो कि मेरे को ओरिजिनल था, दैट इज हेलो, ओके। तो फिलहाल मैं एक बार करता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। सो अभी अपने पास क्या है, साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, और साइफर टेक्स्ट में पहला वैल्यू क्या है, डब्ल्यू है, तो मैं इधर डब्ल्यू लिखूंगा, लेकिन ये कैप्स में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू, तो क्योंकि ये साइफर टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं इधर। सो सी डब्ल्यू का क्या है, थर्ड लाइन में 1 2 3 4 5, थर्ड लाइन में 1 2 3 4 5, 22, ठीक है, इसका क्या है, 22। सो उसके बाद फॉर्मूला देखो, हमें क्या चाहिए, प्लेन टेक्स्ट चाहिए, ओके। सो प्लेन टेक्स्ट पी इज इक्वल टू सी माइनस के मॉड 26, तो सी मतलब क्या, देखो सी माइनस के, ओके। सो सी माइनस के, तो सी मतलब क्या, 22, तो ये 22 माइनस 15 मॉड 26, सी मतलब पोजीशन ऑफ डब्ल्यू, दैट इज 22। फिर उसके बाद 22 माइनस 15, 15 मीन्स 5 6 7, सो 7 मॉड 26 पी, तो अभी आप देख सकते हैं मैं क्या कहा था, 7 मॉड 26 मतलब क्या, 26 से अगर ये सेम छोटा वैल्यू है, 26 से अगर ये इधर छोटा वैल्यू है तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू 7, तो 7 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सेकेंड लास्ट, दैट इज प्लेन टेक्स्ट में जाओ, अभी प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो प्लेन टेक्स्ट में जाओ, तो सेकेंड लास्ट मतलब एच, तो क्या आया, एच, देखो तो डब्ल्यू आपका डिक्रिप्ट होके एच आ गया, ठीक है। अभी सेम टू सेम आपको आगे वाला भी करना है, ठीक है, मैं सेकंड करके देता हूँ, आप उसके बाद वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वाला आपका साइफर टेक्स्ट क्या है, टी, अभी टी का वैल्यू क्या है, देखो टी का वैल्यू इधर, दैट इज सेकंड में 19, सो ये 19 लिखा, आपको प्लेन टेक्स्ट है तो मैं सी माइनस के मॉड 26 लिख सकता हूँ, तो सी इज नथिंग बट साइफर टेक्स्ट, दैट इज पोजिशन उसका, दैट इज 19 माइनस के मॉड 26, तो 15
19 माइनस 15 कितना होता है, 4, ओके, मॉड 26। अभी 4 पे क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 4, 4 पे हमें प्लेन टेक्स्ट चाहिए, तो प्लेन टेक्स्ट में देखो 0 1 2 3 4 क्या है, ई, तो ई मिला मेरे को, पी इज इक्वल्स टू ई, ओके, मीन्स उसका वैल्यू आएगा 4, ठीक है। तो टी एनक्रिप्ट होके डिक्रिप्ट होके मुझे ई मिला, तो सिमिलरली आप आगे भी कर सकते हो, दैट इज ए है तो ए का वैसे 11 है, तो उसको आप डिक्रिप्ट करोगे ये फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर, और आपको मिलेगा प्ले एज अ प्लेन टेक्स्ट, ये 11 जो है ये नहीं आएगा। सो ए अपना क्या है, डिक्रिप्ट वर्ड है, ओके, सो ए हम क्या करेंगे, अभी ए का क्या आया था, एल, तो प्लेन टेक्स्ट में एल लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एल ही है तो सेम, इसके बाद ए, दैट इज प्लेन टेक्स्ट आएगा एल, उसके बाद क्या है आपका डी है जो कि एनक्रिप्ट करने के बाद आएगा, उसके बाद डिक्रिप्ट करने के बाद आपको मिलेगा ओ, दैट इज ओ मिला, ठीक है। तो ये है अपना प्लेन टेक्स्ट और ये अपना साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, एनक्रिप्टेड वर्ड डिक्रिप्टेड वर्ड, एनक्रिप्टेड वर्ड देखो क्या आया था, डब्ल्यू टी ए ए डी, ए ए डी, और डिक्रिप्टेड मतलब जो ओरिजिनल मैसेज है वही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको नॉर्मली बोलेंगे एनक्रिप्शन करो, कोई भी मैसेज दे देंगे उसको एनक्रिप्ट करना है, ऐसा बोलो। तो हेलो को मैंने एनक्रिप्ट कर दिया डब्ल्यू टी डबल ए डी में, आपको एनक्रिप्ट कर दिया, हेलो को हमने एनक्रिप्ट कर दिया, ओके, और आया इसका वर्ड डब्ल्यू टी डबल ए डी। तो किसी को अगर मैसेज सेंड करना है तो ये हेलो हम लोग तो लिखते हैं, लेकिन एनक्रिप्ट होके ये जाता है ताकि और कोई पढ़ ना सके, उसका मिसयूज कर ना सके, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं इधर ख़त्म करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। Every single day.